छात्रावास जो है 70 सालों से यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं और यहाँ पढ़ाई, यहाँ गांव से बेचारे जो गरीब बच्चे जिनको यहाँ पर किराए का मकान लेने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, वो यहाँ पर गांव के गरीब बच्चे यहाँ पर आके अपना पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर वो रुक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ भूमाफियाओं से मिलकर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है तो वो मिलकर इस बिल्डिंग को उनको खाली जो है वो यहाँ से रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कौन सा यहाँ पर कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी काम कर रहा है? क्या यहाँ के आतंकवाद की ट्रेनिंग कोई थोड़ी हो रही है? यहाँ पर गांव के गरीब बच्चे बेचारे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, वो बच्चे जिनके पास में पैसे नहीं है यहाँ पर मकान किराए का लेने के लिए, लेकिन आप भूमाफियाओं से मिलकर आप उनको खाली कराने के लिए, उनको ये बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए यहाँ अच्छी खासी बिल्डिंग को जर्जर दिखा के और उसे खाली करा के भूमाफियों को आप हैंडओवर कराना चरम चाहते हैं।